शुक्रवार को गुरु सिंह सभा व सिख सेवा सोसाइटी सिधौली के तत्वाधान में गुरु गोविंद सिंह के 354वें महोत्सव के अवसर नगर में शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सिख समाज व नगर वासियों ने श्रद्धा पूर्वक हिस्सा लिया। शोभा यात्रा मोहल्ला गोविंद नगर स्थित गुरुद्वारा से प्रारंभ हुई और नगर के विभिन्न मार्ग, तहसील मार्ग, बिस्वा चौराहा, महमूदा व चौराहा आदि स्थानों पर भ्रमण करके उपरांत वापस गुरुद्वारा पहुंची। पंच प्यारों की अगुवाई से निकली शोभा यात्रा में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन संगत ने किए। शोभा यात्रा में सबसे आगे सिख समाज, महिलाएं, बच्चे व पुरुष सड़क की धुलाई व झाड़ू से सफाई करके फूलों को पालकी के आगे बिछा कर सम्मान स्वरूप वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह आदि कीर्तन करते हुए चल रहे थे। वहीं शोभा यात्रा में रॉयल ब्रास बैंड सिधौली अपनी धुनों पर लोगों को नचाने पर मजबूर कर रहे थे। कलाकारों के करतब को लोगों खूब सराहा। समुदाय के लोगों द्वारा जगह जगह लोगों के लिए प्रसाद के रूप में केला, चाय, समोसे इत्यादि स्टॉक लगाकर वितरित किए गए। वहीं दीप खालसा गतका ग्रुप सिधौली के द्वारा हैरत अंगेज करतबों को दिखाकर लोग आश्चर्यचकित थे। गतका पार्टी के कलाकारों ने तहसील मार्ग बिस्वा चौराहा, महमूदाबाद चौराहा आदि जगह पर करतब दिखाए, जिसमें बर्फ की सिल्लियों को अपने छाती पर रख कर हथौड़े से तुड़वाना, आंखों पर पट्टी बांध कलाकारों से सरों पर रखे नारियल को हथौड़े से तुड़वाना, लोहे की मोटी राड को छाती से मुड़वाना और आग के शोलों पर चलना आदि प्रमुख कार्य रहे। पूर्व विधायक मनीष रावत ने सभी नगर वासियों को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जन्मोत्सव में सभी को बधाई दी। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, पत्रकार एसोसिएशन के मुंडन शुक्ला, सरदार गुरमीत सिंह, अतुल तिवारी, सरदार रघुवीर सिंह, सरदार अवतार सिंह, सरदार गुरुचरण सिंह, हरजीत सिंह, सरदार विक्की, बंटू, गोलू, गुरुप्रीत, जोगिंदर सिंह रागी व पुलिस प्रशासन क्षेत्राधिकारी रविशंकर प्रसाद, निरीक्षक उमाकांत दीपक, कस्बा इंचार्ज डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, विक्रांत सिंह, टीकम सिंह, प्रिंस सिंह एवं सिख समुदाय के महिलाएं व पुरुष सहित सैकड़ों लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। आप देख रहे हैं UP100 न्यूज़ TV।